मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि बीजेपी के भीतर कोई आंतरिक कलह नहीं है। बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एकजुट होकर काम कर रही है। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पार्टी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2020 में बीजेपी में शामिल होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिंधिया के साथ आए लोग दूध में चीनी की तरह पार्टी में मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अद्वितीय नेता हैं और भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। एमपी बीजेपी इकाई के तीन गुटों नाराज, महाराज और शिवराज की अटकलों से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि जब हमारी पार्टी मिलकर काम करती है तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। उन्होंने कहा, उनके सपने में भी हम दिखाई देते हैं, जैसे बैल को लाल कपड़े दिखाओ तो वो भड़क जाता है, वैसे ही सपने में भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नींद में भी शिवराज 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 चिल्लाते हैं। बातचीत के दौरान शिवराज ने बताया कि कैसे उन्हें 2005 में मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब वो संसद के सदस्य थे और दिल्ली में रहते थे। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री इसलिए बना क्योंकि पार्टी चाहती थी और मुझे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त था। 2005 में जब मैं पहली बार सीएम बना तो मुझे नहीं पता था कि मुझे चुना गया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही थी और मैं सांसद के तौर पर दिल्ली के पंडित पंत मार्ग स्थित आवास में था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में एकजुट होकर काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।